मैं हरियाणा से ही हूँ, आई वॉज बॉर्न देयर, तो मुझे उसी मिट्टी का हूँ। तो मैं जब भी जाना होता है तो मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एक जो उसका एहसास ही अलग है। मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं पहली बार हरियाणा गई जब इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी और बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे रही भी मैं। पहली बार मैं गांव में गई और हरियाणा के गांव का जो रहन सहन है वो मैंने देखा, और जो कहते हैं ना दूध दही घी का खाना, वो मैंने खाया वहाँ पे। तो एक अलग वातावरण होता है, एक अलग माहौल होता है, बहुत सुंदर होता है। वहाँ की सर्दी देखी मैंने और बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के। सबसे बड़ा है, जैसे आप जानती हैं, महेंद्र नाम है, और कहीं ना कहीं बचपन में माता पिता की डेथ हो गई थी और तीन भाई थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं इसने ही जिम्मा उठाया, जिम्मेदार बना और पूरे खेतीबाड़ी से लेके ट्रांसपोर्टेशन, धंधा वगैरह जो भी है सब इसी ने सेट किया। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा होता ना जो जिम्मेदार ही रह जाता है जीवन में, शादी ब्याह भी करना होता है खुद का, वो कभी सोचा ही नहीं उसने। फिर एक समय आता है जहाँ बिमला का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं मेरे जो चाचा ताऊ हैं पीछे पड़े हैं, अब तो कर ले शादी तो ये वो, तो तब इनके घर पे इनको देखने के लिए महेंद्र जाता है। फिर कैसे हालात होते हैं, क्योंकि वो कभी उसने लड़की से बात इस तरह की कभी बातचीत भी नहीं है, अभी रिश्ते की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो शर्म है, मतलब वैसा उस तरह का कैरेक्टर है। मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला। बिमला गांव की एक लड़की है। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में हो जाती है, और बिमला 30 से ऊपर की एक लड़की दिखाई है गांव की, जो जिसके सपने हैं वो पढ़ना चाहती है, वो लिखना चाहती है, वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे वो प्यार करती है। तो ये उसके कुछ छोटे से सपने हैं, और बहुत सालों तक वो अपने माँ बाप से झगड़ झगड़ के नहीं करती, हर रिश्ते को टुकरा देती है। लेकिन क्या होता है जब महेंद्र उससे मिलने आता है और उनके रिश्ते की बात चलती है, तो क्या बिमला को महेंद्र से प्यार होता है और उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये हम मेरी कहानी है और इनके साथ मेरा वो रिलेशनशिप दिखाया। अब जैसे पहली बार महेंद्र से जो प्यार शब्द है वो इन्हीं से ही सुनने को मिलता है कि भाई आप शादी के बाद प्यार करोगे कि या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो मेरा प्यार मतलब माँ बाप से प्यार किया जाता है, भाइयों से प्यार किया, मतलब लड़की से प्यार, तो वो उस तरह से ऑर्थोडॉक्स भी है कि वैसे विचार कभी समझ रहे हैं हम कि मतलब हाँ बीवी तो पत्नी और वैसे वाला ही, लेकिन लड़की है जो सीधे सीधे आपसे पूछ रही है मतलब आदमी, तो उसको बात समझ में नहीं आती है कौन से वाले उसके लिए प्यार है, भाई ऐसे जो भी हैं उनको इकट्ठा रखना। तो कुछ कुछ चीज़ें बिमला से महेंद्र को सीखने को मिलती, मतलब जो उसने कभी सोची नहीं थी। देखिए चैलेंजिंग मेरे लिए अपने डायरेक्टर को वो जैसे ओके बोलते हैं तो आई एम फुली सेटिस्फाइड, लेकिन टिल द टाइम ही इज़ नॉट ओके तो देयर सम प्रॉब्लम। तो बस वही है जद्दोजहद कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, क्या होता है कोई अगर लंबा सीन है तो उसको इमोशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है वरना वो होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए डायरेक्टर की समझ कि उन्होंने क्या सोच के क्या लिखा है, उनकी क्या डिमांड है, वही पूरा करना जो है, दैट वाज द चैलेंज। मेरे लिए चैलेंज तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बिमला से बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं खुद एक शहर की लड़की हूँ, मुझे फ्रीडम मिली है अपनी ज़िंदगी जीने की। बिमला कहीं ना कहीं यही फ्रीडम चाहती है या उसी फ्रीडम से जी रही है गाँव में। बट मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी पहली पिक्चर में एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जिसका एक मॉरल है, एक मैसेज है, और इस पिक्चर का भी एक मैसेज है। हमने कुछ पिक्चर में कुछ मैसेज देने की कोशिश नहीं की है, पूरी पिक्चर बहुत लाइट हार्टेड है। तीन भाइयों की कहानी, लेकिन कैसे इन तीन भाइयों को प्यार होता है और प्यार के बाद कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, ये वो कहानी है। चैलेंजेस हम सबके लिए शायद सिर्फ यही थे कि जैसे पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज हुआ था एक पैंडेमिक का, और कैसे शूटिंग हुई थी पैंडेमिक के थ्रू, ये हमारे चैलेंजेस थे। बाकी ऐसा कोई चैलेंज हम लोगों ने फेस किया नहीं। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई गई है, और हम सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत सुंदर फिल्म बनी है। तो मैं सभी फैंस को बोलना चाहूँगा प्लीज आकर फिल्म देखिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो चुका है वापस की, जबकि हमारे सारे सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, फुल कैपेसिटी में खुल चुके हैं, सब लोग आजकल पिक्चर देखने जा रहे हैं। 2 साल के बाद जब
पैंडेमिक की वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे थे पिक्चरें सिनेमा हॉल में, और हमारी मूवी इंडस्ट्री का बिजनेस भी बहुत कम हो चुका था इसके वजह से। आज ये टाइम है कि बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें, छोटी पिक्चरें, कहानियाँ जिनमें कंटेंट किंग होता है जब कहते हैं आजकल, वो बहुत सारी ऐसी पिक्चरें निकल रही है। उनमें से एक पिक्चर हमारी हरियाणा जो 5 अगस्त को आ रही है। प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दें और प्लीज़ हमारी पिक्चर आके देखें। थैंक यू सो मच। वेल आई एम प्लेइंग वसुधा और मुझे अपना कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये लड़की भी थोड़ी अतरंगी सी है। ये कॉलेज गोइंग लड़की है और ये अतरंगी है और इसका अतरंगी बना आपको इसके ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल जाएगा। आई मीन आई हैव नॉट सीन मेनी गर्ल्स फ्रॉम हरियाणा लाइक वसुधा, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आई हैव सीन सम स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड वसुधा की तरह। सो बहुत अलग लड़की है और बहुत डेयरिंग लड़की है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चुलबुली है, बहुत अलग टाइप की है। वो ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको, आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हाई शी इज़ अडोरेबल। या अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द ट्रेलर एंड इट्स रियली यू नो मेकिंग अस फील रियली रियली एक्साइटेड एंड आल्सो लिटिल बिट ऑफ नर्वस। एंड अबाउट जयवीर, आई थिंक जयवीर इज लाइक यू नो इट्स वेरी हाउ डू यू से इट, इज वेरी like angry, brooding, romantic guy of hardcore, and he's in college and he's in love with Vasudha. और पूरा दिल से प्यार करता है, किसी भी हद तक जाने के लिए करता है। and like as you have seen in the trailer, it's also about like you know how brother he's all about family really means a lot, but when it comes to Vasudha I think he's all there, and I had such a great fun doing this. and yeah I think that you have to see the movie. एक्चुअली जब हमारी कास्टिंग हुई थी तो हमारे दो ऑडिशंस हुए थे और उसके कुछ दिनों बाद जब हम लॉक भी हो गए थे फिर हमारा एक और ऑडिशन हुआ था, रिमेम्बर सर के घर पे। तो हमारा वर्कशॉप तो चालू हो गया था और मोर और लेस हमें अपने कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफ वर्कशॉप पे मिल गई थी सर से। प्लस हर सीन के पहले कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड, उसका थॉट प्रोसेस, पूरे सिचुएशन को सर अच्छे से ब्रीफ करते थे। प्लस सर ने मुझे कहा था कि आई थिंक वो रॉबी के लिए भी सेम रहा होगा, हमारी पूरी कास्ट के लिए, कि आपको अपना डायलेक्ट पकड़ना पड़ेगा हरियाणा का। सो या आई डोंट थिंक, मतलब चैलेंजिंग तो हर रोल होता है, बट आई थिंक आई एंजॉयड प्लेइंग वसुधा मोर, मतलब मोर देन व्हाट आई कैन से इट वाज चैलेंजिंग। या सो जयवीर, लाइक मेरे को टू प्ले जयवीर ना, मुझे ऐसा लगा था कि लाइक बीइंग माय फर्स्ट फिल्म, मुझे हर बार एक हर मोमेंट पे, हर डे पे मेरे को एक चैलेंज था कि यार प्रूव करना है अपने आप को। बट संदीप भाई, यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग ही सेड जस्ट कम, you're doing good, you're doing great. His support was so great, and so Vasudha and my other friends who was playing the character, they were all so good, you know, and helped me so much, you know. It was a great journey for me, like, you know, I've learned a lot, you know. Har day ka ek challenge, you know, for, you know, to apne aap ko bhi prove karna hai ki yaar kahin main zyada na kar dun, kahin kuch kam na kar dun. Aur अगर आपकी पहली फिल्म होती तो यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना वो रहता है आपका एवरी डे। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट संदीप भाई, ही रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। एंड फॉर रॉबी आई कैन से ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, लाइक एज एन एक्टर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। एंड जैसे उन्होंने बोला कि ही वॉज नर्वस, ऐसा किसी को लगा नहीं, आई एम श्योर कि उसको लगता होगा, बट ही नेवर लुक्ड लाइक ही वॉज नर्वस, ही वॉज जस्ट गिविंग हिज 100%। बिकॉज जब रीडिंग्स और वो होता था वर्कशॉप तो मैं देखती थी, ही वॉज वेरी पूरा एकदम डेडिकेटेड स्क्रिप्ट पे लगा रहता था, एंड ही वाज लाइक रियली गिविंग हिज 100%। आपको पसंद आएगी, पर ठीक है वो बात अलग है। बस मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और 5 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल पे जाइए और इसको देखिए, और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी पसंद आई, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेस्ट सीन आपको लगा, इसका म्यूज़िक कैसा लगा आपको। सी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ थिएटर में आइए और एंजॉय कीजिए। इट्स ये आपकी अपनी कहानी, आप देखोगे आपके आसपास की, आपके आस पड़ोस में जितने भी जो कैरेक्टर, इज सो रियल, आपको बहुत मजा आने वाला है। इट्स फुल ऑन रोमांस एंड यू नो फन, कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग यू हैव इन दिस मूवी, यू गोना हैव अ ग्रेट टाइम। जस्ट प्लीज कम एंड वॉच ऑन 5th ऑफ अगस्त इन द सिनेमास नियर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द ट्रेलर। बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्यार से हमने फिल्म बनाई है, और जब हम शूटिंग करने गए थे तो हमारा मेन मकसद यही था कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, प्यार से हमने स्क्रिप्ट लिखी है, वो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो स्क्रीन के ऊपर, कि एक एक कैरेक्टर जितना हमने रियल सोचा था उतना रियल कैमरे पे लगे, जो सिचुएशन जितनी मजाकिया हमको लगी थी स्क्रिप्ट में उतनी ट्रांसलेट हो।
तो थैंकफुली वो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ दुआ मांग सकते हैं कि वो अच्छे से हो जाए सब। पर वो बड़ा जब हुआ सारा बड़े अच्छे से, वो पूरा एक माहौल जो हमको चाहिए था वो पूरा बन गया, स्क्रिप्ट का जैसे हमको चाहिए था, तो वो बड़ा हमारे लिए खुद के लिए बहुत एक ब्लेसिंग वाली बात थी। और एक एक कैरेक्टर जो था वो हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनाने था उसको, एट द सेम टाइम रियल रखना था उसको, उसको कहीं से भी नकली पन ना लगे। तभी हमने पूरी पूरी कास्टिंग जो है वो पूरी हरियाणा से की है। 2 महीने हमने, हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी मलंग जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम को भेजा वहाँ पे, और 2 महीने तक इसकी कास्टिंग चली। बहुत कोने कोने से ढूंढ कर एक एक कैरेक्टर को खड़ा किया सामने, और वो सिर्फ इसलिए था ताकि लोगों को जो एक्सपीरियंस मिले वो एक पूरा रियल हरियाणा का एक्सपीरियंस मिले। मेरी कास्टिंग जोगी मलंग सर ने की थी, और हरिओम भाई ने, उनके साथ ही उनके असिस्टेंट हैं। और उसके बाद मैं सर से मिला, और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जुगनू बहुत ही शैतान लड़का है, अनलाइक मी, मैं शैतान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बहुत ही सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक्चुअली सिर्फ जुगनू नहीं, सर ने पूरी स्क्रिप्ट ही बहुत खूबसूरत लिखी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ बैठे हैं, ये बात सच है, आप जब मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इनफैक्ट जब मैं जुगनू की लाइन्स पढ़ रहा था, कुछ सीन्स मैं रिहर्स कर रहा था, तो अगेन आई वुड से मैं कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली रोया। और मैंने सर को बोला भी, सर आपने बहुत सुंदर लिखा है, पर सर ने बोला कि तू सिर्फ लाइन याद कर ले, बाकी ज़्यादा मत कर ज़्यादा। एनीवे, तो बहुत सुंदर डिटेल में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और वो मूवी में निकल के आ रहा है। ऑल्सो जितनी सुंदर स्क्रिप्ट है उतने ही अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे वो यश सर है, चाहे वो रॉबी है, चाहे अश्लेषा मैम है या मोनिका है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट हरियाणा के जितने भी लोग थे जो ताऊ वाऊ बने, सब ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और मतलब वो आपको मूवी में देखेगा। और जुगनू तो यार, तो बेसिकली जुगनू जो है वो उसको प्यार हो जाता है एक बड़ी स्टार से, एक एक्ट्रेस से, जिसका नाम आलिया भट्ट है, आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। और उसके बाद क्योंकि वो शैतान है, उसको लगता है कि अब मतलब कि उसको बेसिकली उसके भैया ने हमेशा प्यार से रखा है, तो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो हमेशा बिगड़े हुए से रहते हैं। और क्योंकि बहुत संपन्न परिवार है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो इसको लगता है कि हाँ भाई मेरा चांस है शायद तो रिश्ता लेके जाएंगे अगर, तो शायद वो लड़की की किस्मत खुल जाए, तो इसका रिश्ता उसके पास हो जा रहा है। हाँ, अपने भाई को बोल देता है कि भाई आप मेरे रिश्ता लेके जाओ और बात करो, तो इल्यूजन है बट एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं जितने भी लोग हैं, वो दर्शक हैं, सबको ये बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म जाके देखिएगा, आपको वाकई मज़ा आएगा। और बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से, प्यार से हमने फिल्म शूट की है ताकि आपके पास में एक रियल एक्सपीरियंस पहुँचे। और कुछ एक चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने बताने की कोशिश की है कि चाहे आप कितने भी किसी भी शहर से हैं, हिंदुस्तान के या कहीं के भी, जहाँ के हैं ना, आप अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उस पर गर्व करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप किसी से कम हैं। आप जहाँ के हैं, जहाँ पे हैं, वो बहुत बहुत ही आप लकी हैं टू बी फ्रॉम देयर। तो आप गर्व करें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने परिवार, अपने अपने दोस्तों, और अपने जीने के ढंग पे गर्व करना सीखें। सिर्फ दूसरों को देख के ये ना सोचें कि काश मैं भी वो कर सकता। ये मूवी के बारे में मैं अपने फैंस से इसमें कहना चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट मूवी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। इसमें हरियाणा एकदम ऐसा गन्ने की जूस की तरह एकदम डाल दिया सर ने, एकदम पिचका के, और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। तो आप प्लीज़ जाइए देखिए, और आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। मुझे ऑलरेडी ट्रेलर देख के काफ़ी अच्छे रिवर्ट्स आए लोगों के, पोस्टर देख के रिवर्ट्स आए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो पूरी मूवी की तारीफ कर रहे हैं, मतलब ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई विश कि आप लोगों को पसंद आए, डेफिनेटली पसंद आएगी, बट आई स्टिल विश। और आप लोग प्लीज़ जाइए, 5th ऑफ अगस्त को मूवी आ रही है, और देखिए।